Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वो भी किसी मालदार लड़के से ताकि ऐश की जिंदगी गुजार सको तुम। चाहती तो मैं भी यही हूँ, बट ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? लड़का तो मौजूद है, तुम भी तो आंखें खोलो। तुम्हें ऑफिस के झमेलों से ही फुर्सत नहीं मिलती कि इधर उधर नजर दौड़ाओ तुम। कहती तो ठीक है आप आंटी, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। बस हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना हमें तुम बता देना, हम वो फौरन हल कर देंगे। हेलो हेलो नरगिस, साथ बोल रहा हूँ। साथ? कैसे हो तुम? तुम लोगों ने तो हमें जलील करके निकाल दिया और सोचा कि अब रापता ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने कैसे फोन किया? एक पुराना हिसाब बराबर करना था। कैसा हिसाब? अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती का हिसाब नरगिस साहिबा। मैं कुछ समझी नहीं साथ। समझ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम मिलने आओगी या मैं तुम्हारे घर आऊं। ये तुम क्या कह रहे हो साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। तुम मुझसे मिलकर क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहता हूँ? मैं तुम्हें सब बता दू, बस एक मुलाकात करूंगी। मगर साथ तुम जानते हो कि मैं घर से नहीं निकल सकती, मैं कैसे आऊंगी? देखो, ज्यादा चलाकी और मकारी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, आखिर को इतने अरसे तुम्हारे पड़ोस में रहा हूँ यार। साथ तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम्हें अब क्या हो गया है? तुम कैसे बात कर रहे हो? पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम आओगी या नहीं। देखो, हम फोन पर भी तो बात कर सकते हैं ना, तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। ज्यादा होशियारी मत करो, जो कहता हूँ चुपचाप करती जाओ, वरना तुम्हें मुंह छुपाने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। साथ ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बहन हमारी कितनी अच्छी दोस्त है, हमने कितना अच्छा वक्त साथ में गुजारा है। अच्छा, हमें बेइज्जत करते हुए तुम्हें ये ख्याल नहीं आया था कि शिजा तुम्हारी फ्रेंड? लेकिन वो तो दादी ने किया था ना। दादी भी तो तुम्हारी ही है ना। मगर साथ मेरी बकवास बंद करो, हाँ या ना। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। बस एक दिन है तुम्हारे पास, जितना सोच सकती हो जितना समझ सकती हो जल्दी करो। हेलो साथ, अब तो सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है बेटा। आप? अच्छा मामा, मैं बस जा रही हूँ। बैठो, चाय लो। ओके जी, बोले क्या बात है? निकल, तुम जॉब छोड़ दो। लेकिन क्यों? मैं क्यों जॉब छोड़ दूँ? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी और इफ्फत की जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। मामा, शादी का जॉब से क्या ताल्लुक है? और मैं जॉब अपनी खुशी से तो नहीं कर रही हूँ ना। ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन अब खुर्रम का बिजनेस सेट हो गया है, और तुम जानती हो वो खुर्रम को तुम्हारा जॉब करना कभी भी पसंद नहीं था। देखिए मामा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं किसी की पसंद या नापसंद पे अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं जॉब अपनी मर्जी से कर रही हूं, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए। मेरा इंग्लैंड में एडमिशन हो गया और नेक्स्ट वीक से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेट,
इतनी देर से तुमने मुझे इतनी अच्छी न्यूज सुनाई, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बाहर की तालीम छोड़, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और तुम बाहर की तालीम की बात कर रही हो। मामा प्लीज बस कर जाएं, अपना फलसफा इस पे मत थोपें। इसको मौका मिला है तो उसे जाने दें, इसकी जिंदगी बन जाएगी। यस मॉम, दो तीन साल की तो बात है, आ जाऊंगी ना, प्लीज मॉम प्लीज। अच्छा भाई ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ठीक है बाय। सिफारिश करके चली गई। चलो चाय पियो। कब आए? आया तो मैं अभी, लेकिन तुम किन सोचों में हो? कुछ भी नहीं भाई, कोई खास बात नहीं है। नहीं खास बात तो है, इसलिए तुम्हें अपने इर्द गिर्द की होश ही नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं भाई, कुछ कह भी तो नहीं सकती आपसे। क्या बात है बताओ मुझे। देखो बाबा को भी बताती थी ना, तो समझो मैं भी तुम्हारा बाबा ही। बोलो क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बोलो। मुझे पापा की याद आ रही है। देखो इतना तो मुझे पता है कि बात कुछ और है। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, अच्छा सुनो मेरी बात। देखो इधर देखो, अच्छा नहीं बताना चाहती ना तो नरगिस से डिस्कस कर लो, अम्मी से डिस्कस कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है। ओके I'm so lucky to have you as my brother. मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। अच्छा तो मक्खन लगाने की आदत जाएगी नहीं? चाय। चलो अब हंसी खुशी जाओ और अच्छी सी चाय लेकर आना, रोतो सी इन मत लाना। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन भी कह रही है और फिर बता भी नहीं रही है। क्या बताऊं, बस एक इतनी बड़ी उलझन में फंस गए हैं जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बात है बताएं तो। अरे रईसा, बस अम्मा जान की वजह से पूरे घर में टेंशन फैली हुई है। कैसी टेंशन? वो बच्चों की शादियां अपनी पसंद से करना चाहती हैं और बच्चे इसके लिए तैयार नहीं। ये तो वाकई टेंशन वाली बात है। अच्छा सुनो, तुम अलमाज भाभी को कुछ ना बताना। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने तो इतने बुरे वक्त में मुझे सहारा दिया है, और वैसे भी अब अलमाज से मेरा वास्ता नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, दिमाग फट रहा है। वैसे अम्मा से बात तो की जा सकती है। अम्मा जान से और कोई बात की जाए ये तो मुमकिन ही नहीं। अच्छा चलें,
आप टेंशन ना लें, दोनों मिलकर सोचते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। खुदा करे कि कोई हल निकल आए। अगर हल नहीं निकला ना तो घर में बहुत बड़ा तूफान आएगा जो सब खत्म कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो, सोचते हैं कुछ। हेलो हेलो, मैं नेहा बात कर रही हूँ, निगत की ऑफिस कोलीग। जी फरमाएं। मुझे आपसे मिलना है। किस लिए? निगत के सिलसिले में। निगत के सिलसिले में क्या बात करनी है? वो मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती, आप मिलने तो बेहतर होगा। आप ऐसा करें, आप वेट करें, मैं बताता हूँ आपका। बस ये समझ लीजिएगा कि ये मुलाकात आप और निगत के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा, मैं बताता हूँ आपका। अबे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। अच्छा अब्बा, बंदा दोबारा भी पूछ लेता है कि क्या हुआ। अबे तू खुद ही तो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता, किसी से कोई झगड़ा करके आ रही है क्या? अब्बा हुआ तो नहीं, लेकिन होने वाला है। अबे पेशगी इतला दे रही है? हाँ अब्बा पेशगी इतला है, हालात ही कुछ ऐसे हैं। वैसे कौन है जिससे तू लड़ाई का प्लान बना रही है? मेरा दोस्त। दोस्त से झगड़ा नहीं करते। और अब्बा अगर दोस्त कमर में छुरा खोपे तो वो दोस्त नहीं होता बेटा। अब्बा है तो वो मेरा दोस्त, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे पीठ पीछे वो ऐसा करेगा। तुझे कैसे पता चला? किसी ने बताया है। अबे सुनी सुनाई पे भरोसा नहीं करते जब तक खुद ना देख ले। अच्छा लोग गलत फहमियां पैदा करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, फड्डे करवाते हैं बीच में। अब्बा खुल के बताओ क्या मतलब? बेटा हर बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए फिर कोई बात करनी चाहिए। ठीक कहते हो अब्बा। अबे एक मिनट में गायब हो जाता है, छलावा बनावा छलावा। गौर में आप उठ गए हैं ना, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? अरे शादी के बारे में। और किस बारे में? बता दूंगा। क्या बकवास है कि मैं बता दूंगा। इतने दिन से हम पूछ रहे हैं और अभी तक आपने बताया नहीं हमें। साफ क्यों नहीं बोल देते कि उस नसीबो जली ने तुम्हें मजरू बना रखा है? देखिए मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हम तुम्हारी माँ हैं, और याद रखना गौहर मियां, अगर उस लड़की को हम पे तरजीह दी ना तुमने, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी मैं इस पर किसी को तरजीह नहीं दे रहा, बस दिल नहीं चाह रहा कि मैं किसी से बात करूं। हाँ हाँ दिल कैसे चाहेगा उस कंबख मारी ने जो तुम्हारा दिल अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अम्मी प्लीज, पहले ही बहुत परेशान। कसम ले लो किसी की भी जो आज तक हमने झूठ बोला। हम यही तो चाह रहे हैं कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए।
अम्मी इस वक्त प्लीज मुझे आप अकेला छोड़ दें। उस जादूगरनी ने तो तुझ पे जादू कर दिया है, जब भी तो अपनी माँ को खातर में नहीं ला रहा है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ टेंशन में। हमारी बात मान लो गौहर मियाँ, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस टॉपिक में बात नहीं करना चाहता। तो फिर भाड़ में जाओ तुम, लेकिन याद रखना हमारे जीते जी इस घर में वो कलमू ही नहीं आएगी। सुना तुमने? आपको जहमत दी उसके लिए माज़रत। नहीं, इट्स ओके। अरे आप कुछ ऑर्डर करें। नहीं मैं तो कुछ नहीं लूंगा, लेकिन आप कुछ ऑर्डर करना चाहें तो करें। नो थैंक्स। तो आपने मुझे क्यों बुलाया? वो दरअसल निगत बहुत डिस्टर्ब है। क्यों? उसकी वजह भी आप। उसने कुछ कहा है आपसे? जाहिर है दोस्त तो दिल की बात दोस्त को ही कहता है ना। बात तो ठीक है, लेकिन क्या क्या कहती हो? वो चाहती है आप उसका पीछा छोड़ दें। नहीं ये मुमकिन नहीं है, ये इट्स नॉट पॉसिबल। और वो आपकी मोहब्बत की कुर्बानी चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता। मोहब्बत दो तरफा होनी बहुत जरूरी है, तभी तो भड़कती है। देखिए मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और वही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ नेहा, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम बहुत खसारे का सौदा कर रही हो। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती है। नहीं अम्मी आप बिल्कुल ठीक नहीं है, औलाद का तो बहुत गहरा होता है। सारा वक्त इसी सोच में गुजरता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह खुश रखूं। हम कह रहे थे कि आपको हमारे साथ तबस्सुम क्या चल रहा होगा। खैर तो है, क्या उनसे भी घर खाली करवाना है आपने? नहीं हम चाह रहे थे कि